हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लेके आई हूँ, रेड सॉस पास्ता की रेसिपी, जो सभी बच्चों को बहुत पसंद आता है, साथ में बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ये पास्ता मैं रेड ग्रेवी में बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर टोमेटोज लिए हैं 500 ग्राम। आप जितना पास्ता लें जस्ट उससे डबल आपको टोमेटो लेना है। जितना ज़्यादा टोमेटो होगा ग्रेवी हमारी उतनी अच्छी बनेगी। और अभी यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ पास्ता बॉईल करने के लिए, तो मैंने यहाँ पर 2 ग्लास करीब पानी ऐड कर लिया है। और यहाँ पर 250 ग्राम पास्ता लिया है, और इसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड कर देंगे जिससे पास्ता में सॉल्ट आ जाए। और 1 टेबल स्पून के अराउंड यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है जिससे हमारे पास्ता चिपके नहीं, आपस में खिले खिले रहें, तो ये ज़रूरी है डालना। और अभी हम इसको बॉईल करते हैं जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। और जब तक हमारे टोमेटो भी ये हो गए हैं, ब्लांच हो गए हैं, इनकी ये जो स्किन निकलने लगे तो हमें इसको बंद कर देना है। और पास्ता भी हमारा बॉईल हो चुका है, ये देखिए सॉफ्ट हो गया है। अभी हम इसको ड्रेन आउट कर लेंगे। और इसको हमने पील कर लिया है टोमेटोज़ को, सारे इसके जो छिकल थे ना वो ऊपर आ गए थे, उसको पील करके अभी हम इसको ग्राइंड करके इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो मैंने एक जार में इसको सबको डाल लिया है और एक प्यूरी रेडी कर ली है इसकी। तो स्टार्ट करते हैं अब इसको कुकिंग प्रोसेस इसकी। सो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, वहाँ पर 2 टेबल स्पून के अराउंड मैंने वेजिटेबल ऑयल डाला है। ये गरम हो जाए तब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, अच्छा फ्लेवर देता है। और इसके बाद ओनियन ऐड कर देंगे इसमें। ओनियन को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, अभी हमने जो टोमेटो प्यूरी बनाया था उसको डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने ये टोमेटो केचप लिया है 1 टीस्पून के अराउंड, और यहाँ पर ये ब्लैक पेपर पाउडर वो डाल दिया है। और यहाँ पर ये सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, और रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा, बच्चों को खाना है इसलिए कम ऐड कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। सबको स्टायर करेंगे, सबको अच्छे से पकाएंगे, ग्रेवी अच्छे से पक जानी चाहिए। अभी इसमें टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून के अराउंड ऐड कर दिया है मैंने, ग्रेवी बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पर मेरे पास पास्ता सीजनिंग है, ये ऑप्शनल है, मेरे पास है इसलिए मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें 1 टीस्पून के अराउंड। आपके पास हो तो आप ऐड कीजिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए, वैसे भी बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही आ जाता है। तो इसको पकाते हैं, और ये पास्ता ये पक चुका है क्योंकि टोमेटो ऑलरेडी हमारे पके हुए हैं, बॉइल्ड हैं, इसीलिए हम टोमेटो को बॉइल करते हैं जिससे कच्चापन ना रहे। अभी पास्ता ऐड कर दिया है, बॉइल्ड पास्ता, और सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखिए हमारे कितने अच्छे टेस्टी से और बिल्कुल ग्रेवी में बिल्कुल बहुत ही अच्छे से सारे पास्ता बन के रेडी हुए हैं। यहाँ पर मैं ऑरिगेनो सीजनिंग डाल रही हूँ, इससे और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है पास्ता का। ये भी मेरे पास था इसलिए डाल रही हूँ, आप स्किप कर सकते हो। देखिए कितना क्रीमी सा और बहुत ही टेस्टी सा लग रहा है देखने में, टेम्प्टिंग है, इसको देखते ही बच्चों का मन कर जाएगा, बड़ों का भी मन कर जाएगा खाने का। सो ये देखिए बन के रेडी हो चुका है हमारा रेड सॉस पास्ता। सो बनाइए, सबको खिलाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।